नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले HDFC लिमिटेड के Q3 के स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे, सारे आंकड़े जो है वो करोड़ में है। सबसे पहले हम बात कर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे जो आता हुआ दिख रहा है वो है 14,457 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 11,055 करोड़ का था। तो एक शानदार जंप जो है साल दर साल इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 13,142 करोड़ से बढ़ के 14,457 करोड़, तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने मिल रही है। तो क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। लेकिन डिविडेंड इनकम जो है यहाँ पे आपको 482 करोड़ की देखने मिल रही, जो कि पिछले क्वार्टर में अधिक थी, 1,359 करोड़, लास्ट है 195 करोड़ थी। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो डिविडेंड इनकम जो है घटती हुई दिख रही है, साल दर साल यहाँ पे बढ़त देखने मिल रही है। तो जिसका टोटल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, 15,230 करोड़ की रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से आती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 15,027 करोड़। तो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़त देखने मिल रही है, लेकिन साल दर साल आप देखेंगे 11,783 करोड़ के मुकाबले एक अच्छी खासी बढ़त जो है आपको इस साल देखने को मिल रही है। अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, किस तरीके की एक्सपेंस जो कंपनी ने इस क्वार्टर में की है। 10,635 करोड़ की एक्सपेंस हुई, जो कि लास्ट क्वार्टर में 9,621 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ती हुई दिख रही है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 7,744 करोड़ की एक्सपेंस करी थी कंपनी ने, जो कि 10,600 करोड़ के पार है इस बार। तो एक्सपेंस बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 4,611 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,414 करोड़ था। तो वहां पे आपको देखा कि डिविडेंड इनकम का जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, बाकी नंबर अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 4,048 करोड़ की जो इनकम थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो आपको नंबर आते हुए दिखाई देते पिछले साल, तो उसके मुकाबले 600 करोड़ की यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़त है। टैक्स निकालने के बाद आफ्टर टैक्स का जो नंबर आ रहा है 3,690 करोड़ का आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4,454 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी गिरावट है, लेकिन साल दर साल 3,260 करोड़ के मुकाबले 3,690 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त जो है आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। ईपीएस कितना क्लॉक होता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको देखेंगे 20 रुपए की ईपीएस जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्लॉक की है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थे 24 रुपए 51 पैसे की, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी 18 रुपए के आसपास की ईपीएस। तो दोस्तों ये थे वो कंपनी के नतीजे, लेकिन अब बात करेंगे स्टॉक प्राइस में किस तरीके की जो इम्पैक्ट है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, निचले लेवल से नतीजों के बाद एक मोमेंट आने की कोशिश हुई है, हल्का पॉजिटिव। हालांकि स्टॉक जो है दिन में लगभग लगभग 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक प्राइस 2608 के आसपास देखने मिल रहा है। बहुत ही लंबे समय से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की तरफ 2560 2570 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए कि अगर लेवल टूटता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। लगभग लगभग नवंबर के महीने से ही कहने के स्टॉक जो है पिछले 200 पॉइंट की रेंज में नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है, 2570 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 2720 2740 के आसपास का लेवल जो है साइड में है। तो ये एक रेंज है, जिस भी साइड रेंज ऊपर या नीचे टूटती है या ऊपर की तरफ टूटती है आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने मिलेगा। फिलहाल अभी हम सपोर्ट लेवल से अगर देखें तो 40 रुपये ऊपर है, लेकिन अगर 2570 का लेवल किसी कारण से वायलेट होता है या मार्केट में कोई प्रेशर बढ़ने की कोशिश होती है, आगे चल के मार्केट में प्रेशर आता है, आज एक्सपायरी का दिन है, तो दोनों साइड के मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। वोलेटिलिटी मार्केट में लगातार बनी हुई है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। कल भी स्टॉक एक अच्छी खासी लेवल देखने मिली, 2700 के ऊपर तक स्टॉक चला गया था, और उसके बाद आज के दिन 2600 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वो मार्केट में ट्रेडर्स को परेशान कर रही है। तो नतीजों का जो इम्पैक्ट है या पॉजिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी के चक्कर में वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसी प्रकार की अगर कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है फिर इन टाइप के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अपने पोजिशन को हेज डेफिनेटली करके रखें, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग या सेलिंग पोजिशन को अपनी जो है वो ट्रेल करते रहें, ताकि आपको नुकसान जो है वो ना हो, और एटलीस्ट जो प्रॉफिट हो तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।